हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड हम लोग हमारे जो चैप्टर है साउंड दैट और वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हेयर है ना और आज हम लोग स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को स्टडी कर रहे हैं ठीक है सो इको कैसे होता है रिफ्लेक्शन कैसे होता है ऑफ साउंड राइट हम लोग ने मतलब ये सुना है कि स, जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर से साउंड ट्रैवल कर सकता है राइट right? But why refraction? That's what we are going to study today. And you all know that this chapter and the topics related to this chapter, these are totally important for the school examination as well as the Olympiads level. So basically, if you're gonna study this chapter or study this topic, you are going to prepare for both the examination, and that is a plus thing, right? And uh, you all know we do cover up all the school examinations and uh, the Olympiads level, right? The NTSC, NSJS, PRMO and all the NSO, NSTSE, we cover up all, right? So, that was the thing. If you want any DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. What you have to do is to write the code TTB08 over there. Search box me TTB08 aap likhenge. ठीक है एंड देन हमारा जो चैनल है एथ क्लास के लिए वो अपेयर हो जाएगा देन ज्वाइन द चैनल एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द डीपी स्टडी मटेरियल प्लस यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन टू ऑफ द अपकमिंग लेक्चर्स और द अपकमिंग टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी और राइट नाउ सी दिस इज द टीम दिस इज द ऑसम टीम वी कैन सी हर एंड दिस टीम इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉड बहुत मेहनत करने वाली है ये ठीक है और हम भी आपके साथ बहुत मेहनत था। कर रहे हैं ताकि आपको इतना कैपेबल बना सके दैट यू कैन क्रैक दी एग्जामिनेशन बोथ दी एग्जामिनेशन द स्कूल एग्जामिनेशन एंड दी ओल्पियाड बेसिकली दैट इज वॉट आर एम टू मेक यू कैपेबल ऑफ डूइंग बोथ राइट एंड दैट इज़ अ मेन थिंग और इसी श्रृंखला में हमने आपके लिए कुछ पैकेजेस बनाए हैं सो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन और इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट गेटिंग अ गुड रैंक इन दी अ कॉम्पिटिशन then you can definitely hear this out you have to go on this website www.talkingtextbooks.in you is website jayenge, you will be getting two type of packages the number one is the uh, as you can see here the full package number second is the test series right so the full package you have wo full package help karega. किस केस में वैन यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस वैन यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्टडी मटीरियल टू गो थ्रू फॉर द ओलम्पियाड लेवल राइट तो ओलंपियाड की एजुकेशन उसका नॉलेज जो है वो थोड़ा सा डीपर लेवल होता है एंड यू कैन सी द हायर लेवल ऑल्सो तो उसके लिए और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए यू आर गोइंग टू स्टडी बोर्ड ऑफ एक्जाम राइट एंड देट इज़ वाई उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल इज़ टोटली नीडेड राइट right? नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि उन स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के साथ साथ यू कैन डेफिनेटली गेट द वीडियो क्लासेस एंड वीडियो क्लासेस फॉर दैट कि आप उस स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से समझ सके राइट थर्ड थिंग बट यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर जहां पे आपको होमवर्क करना होगा एंड यू विल बी सबमिटिंग टू अस राइट होमवर्क करना और सबमिट करना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है राइट देन यू विल बी गेटिंग बाय वीकली क्विजेस बाय वीकली क्विजेस क्यों बाई वीकली क्लिक से क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी फीडबैक मिलेगा आप क्या करेंगे आप लेक्चर देखेंगे आप स्टडी करेंगे और टेस्ट देंगे फिर लेक्चर देखेंगे स्टडी करेंगे टेस्ट देंगे राइट तो इतना जल्दी टेस्टिंग से क्या होगा यू विल बी गेटिंग अ वेरी मच रेगुलर फीडबैक जिसकी वजह से क्या होगा आपको अगर रेगुलर फीडबैक मिल रहा है तो आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा विच टॉपिक यू आर लैकिंग इन एंड विच टॉपिक इज स्ट्रॉग फॉर यू राइट तो उससे आपको क्या पता चलेगा भाई आपको किसमें मेहनत करनी है ज़्यादा किसमें नहीं ठीक है तो ये क्या होगा आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है राइट फॉर दैट एंड फाइनल थिंग यू विल बी गेटिंग द पीरियडिक टेस्ट पेपर्स पीरियडिक टेस्ट पेपर्स क्यों क्योंकि देखो जिस भी एग्जाम को हम फाइट करने की सोच रहे हैं और जिसके लिए भी हम एम करते हैं सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो एग्जामिनेशन में एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस आते हैं कितना लेवल का नॉलेज नेसेसरी है ठीक है ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हर एक चैप्टर को जो भी देख रहे हो उसका डीप नॉलेज वहाँ आस्क होता है कि नहीं कोई कंसेप्चुअल्स होते हैं कई न्यूमारिकल्स होते हैं सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लेवल और यू कैन से द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन या गना फाइट एंड देट इज़ वायर पीरियॉडिक टेस्ट पेपर्स आर गोइंग टू हेल्प यू राइट सो एस यू कैन सी पूरा पा, फुल पैकेज जो आप यहाँ देख रहे हैं ये पूरा फुल पैकेज आपको हेल्प करने वाला है दैट इज़ अ नेसेसरी थिंग राइट फिर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है टेस्ट सीरीज में यू वुड बी गेटिंग एक्चुअली में यू वुड बी गेटिंग थिंग्स लाइक टेस्ट ओनली टेस्ट राइट तो दैट इज अ टेस्ट सीरीज के अंदर बाई वीकली क्वेजेस आपको मिलेंगे आपको पीरियडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी राइट right? तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी टॉपिक ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा वीक है आपको टेस्टिंग में तो पता चल ही जाएगा राइट right? तो तब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपका वीक है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स राइट तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती थी सो इफ़ यू थिंक कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है जॉइन दैम राइट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द थिंग्स लाइक कि किस तरीके से ये पैकेजेस आपको बेनिफिट होने वाले हैं यू कैन डेफिनेटली कॉल अस फॉर दैट राइट आपका जो भी क्वेरी है यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड आस्क अस एंड द नंबर इज नाइन वन नाइन फाइव फोर नाइन जीरो फोर डबल वन डबल वन यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व ठीक है और नेक्स्ट थिंग कि भाई अगर तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम ये बाय करने वाले हो ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे बाय कर लेना चाहिए यू वॉन्ट टू गो फॉर द टेस्ट एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर द यू कैन सी द टेस्ट सीरीज एंड ऑल सो डेफिनेटली आई विल बी कि तुम इस कोड को याद रखो सी वाई लाइव वाई लाइफ और राइट इफ यू राइट दिस कोड यू विल बी गेटिंग अ थर्टी परसेंट डिस्काउंट एंड थर्टी परसेंट डिस्काउंट किसी पर भी मिल सकता है लाइक like, जो भी आप पैकेज खरीदेंगे उस पर आपको थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा राइट सो दैट इज अ प्लस थिंग फॉर यू ऑल एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट और राइट तो अब हम क्या करते हैं प्रॉमिस करते हैं प्रोमिस योर सेल्फ दैट यू विल भी वॉचिंग द होल लेक्चर यू विल मेकिंग प्रॉपर नोट एंड यू विल रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस जरूरी है रिविजन बहुत जरूरी है ठीक है चलो अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज़ इज़ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सो इट हमने क्या पहले कभी सुना है हा? आप कुछ सोचो क्या हमने पहले कभी रिफ्लेक्शन सुना है देखो यहाँ पे हम जब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन एक्चुअली में हो क्या रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दैट रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड थिंग किस चीज़ का रिफ्लैक्शन हो रहा है ठीक है तो देखो यहाँ पे हम स्टडी करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ठीक है reflection sound, और रिफ्लैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि भाई जैसे आई एम स्पीकिंग है ना मैं बोल रही हूँ तो साउंड वेव्स आर डेफिनेटली गोइंग आउट ठीक है साउंड एनर्जी बाहर जा रही है जाती है दीवार से टकराती है इट इज कमिंग बैक ठीक है दैट इज वॉट रिफ्लैक्शन एन एनर्जी विच इज़ गोइंग एंड देन इट गेट्स एन ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाई दैट मतलब वो टकरा के वापस अगर आ जाती है तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं ठीक है एंड दिस इज टोटली सिमिलर टू द लाइट ऑल्सो अपने लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा होगा टोटली totally सिमिलर होता है बट ये uh, हम लोग देखते हैं कि हमें एक शाइनी सरफेस नहीं चाहिए होता है साउंड के रिफ्लैक्शन में ठीक है आपने डेफिनेटली uh, ये बात तो देखी होगी कि भाई जब किसी कमरे में से नॉइस आ रही होती है है ना तो हम क्या करते हैं कमरे का दरवाजा अगर बंद कर देते हैं तो वो नॉइज काफ़ी कम हो जाती है ये चीज़ तो तुमने ऑब्जर्व की होगी रीज़न क्या होता है तुम्हें तो पता है ना कि भाई साउंड जो है वो सॉलिड्स uh, में से ट्रैवल कर सकता है राइट तो अगर साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड में से तो साउंड को तो दरवाजे में से आ जाना चाहिए और तुम्हें सुनाई देना चाहिए नॉइज राइट right? सुनाई देना चाहिए है ना लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये रिफ्लेक्शन का फिनमिना किस तरीके से साउंड के लिए पॉसिबल होता है वो सुनो देखो जैसे लेट्स से दिस इज अ डोर ठीक है वैसे तो ये है ही डोर बट लेट्स से ठीक है अब क्या होता है कि साउंड uh, है और गेट right? को हमने अभी बंद किया हुआ है, है ना अगर हम इसे खोल के रखते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्टली एयर में से साउंड आ रही है सो यू आर गेटिंग मोर नॉइज अराउंड यू है ना लेकिन जब तुम एक बार गेट बंद कर देते हो तो जो नॉइज है बाहर की नॉइज है या फिर अंदर से बाहर की नॉइज नहीं जा पाती है बाहर से अंदर की नॉइज नहीं आ पाती है, और काफी हद तक कम हो जाती है हालांकि पूरी तरीके से शांत नहीं हो सकती बट काफी हद तक कम नॉइज हो जाती है वेन वी क्लोज द डोर है ना तो देखो क्या होता है जब कभी भी साउंड वेव जाती है और दरवाजे से टकराती है तो क्या होता है कुछ साउंड एनर्जी जो ये दरवाजा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है कुछ साउंड एनर्जी दरवाजे में से बाहर चली जाती है जो तुम्हें थोड़ी थोड़ी नॉइज सुनाई में आती है ठीक है और कुछ साउंड एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है समझे तो क्या हो गया है कुछ साउंड तो वही रिफ्लेक्ट हो गई है ठीक है तो यहाँ पे तीन तीन चीजें तीन फिनमिना एक्चुअली में होते हैं जब कभी भी साउंड क्या होती है किसी सरफेस से टकराती है देयर इज वॉट देअर इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन ठीक है रिफ्लेक्शन हो गया कैसे रिफ्लेक्शन हो गया कि भाई साउंड एनर्जी जाती है दीवार से टकरा के वापिस आती है सो दट इज वॉट रिफ्लेक्शन कमिंग बैक इन द सेम मीडियम है ना एयर से जा रही थी किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है साउंड एंड इट इज कम बैक इन टू द एयर ऑल्सो ठीक है तो क्या हो रहा है इट इज गोइंग एंड क्लाइडिंग एन देन कमिंग बैक दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ठीक है सो वी गॉट द रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल की भाई साउंड जाएगी दरवाजे से टकराएगी एंड इट कम बैक टू द सेम रूम है ना सेम रूम में आ जाती है वापस ठीक है सेकेंड कैन सी हर इज द एब्जॉर्प्शन ठीक है सेकेंड थिंग इज एब्जॉर्ब्शन थोड़ा सा साउंड जो हमने उसे भेजा ठीक है तो क्या हुआ तो डोर का जो मटीरियल है ठीक है उसने उसको हल्का सा एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है क्यों क्योंकि जब साउंड एनर्जी गई तो थोड़ी बहुत साउंड एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो गई राइट कुछ साउंड एनर्जी ने क्या किया अंदर जाने की कोशिश की एंड उसने क्या किया जो डोर के पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेशन मोड में ला दिया राइट तो क्या हुआ जो डोर मीडियम है सॉलिड मीडियम है राइट उसका कुछ वाइब्रेशन में एनर्जी चली गई सो इट इज एब्सॉर्ब बाय द डोर राइट तो एब्जॉर्बशन हुआ एंड थर्ड वन इज वॉट ट्रांसमिशन थर्ड वन इज वॉर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मीन्स गोइंग थ्रू द डोर है ना तो डोर बंद करने के बाद भी थोड़ी बहुत जो नॉइस आपको सुनाई दे रही है दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन और राइट सो बेसिकली यहाँ पे तीन फिनमिना होते हैं जो कि हर एक वेव में होते हैं ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे साउंड में क्या हो रहा है सबसे ज्यादा अमाउंट तो भाई रिफ्लेक्शन एंड देन एब्जॉर्बशन एंड देन ट्रांसमिशन सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टिल एग्जिस्ट करता है है ना पूरी वॉइस जो है पूरी नॉइज साउंड में से मतलब यू कैन से पूरी की पूरी साउंड दरवाजे में से बाहर नहीं जा सकती वॉल्स में से बाहर नहीं जा सकती है ना रीज़न बिहाइंड इट ये तीन फिनमिना ये तीन फिनमिना होते हैं कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है सो so, बहुत ही कम एनर्जी ट्रांसमिट हो पाती है इसी वजह से हमें दरवाजा बंद करने के बाद कमरे के अंदर जो भी नॉइस है वो बाहर काफ़ी हद तक कम सुनाई देती है ठीक है क्यों ट्रांसमिट कम हो पा रही है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ वापस ही रूम में चले गए और राइट सो दैट्स वाई दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज स्टिल पॉसिबल वैन वी नो दैट कि कभी भी किसी सॉलिड में से साउंड ट्रैवल कर सकती है ये होने के बावजूद भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एकर होता है ठीक है सो यू मस्ट राइट इट आउट वेन साउंड वेव स्ट्राइक अ सरफेस दे रिटर्न बैक इन टू द सेम मीडियम दिस फिन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ठीक है साउंड आती है कोलाइड करती है सरफेस से एंड कम्स बैक ठीक है जाएगी कोलाइड करेगी कम्स बैक दिस इज कॉल व्हाट द रिफ्लेक्शन ठीक है अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लाइट रेज लाइट रेज के बिल्कुल सिमिलर होता है है ना बिल्कुल सिमिलर होता है द ओनली डिफरेंस इज दैट साउंड बींग लार्जर इन लेंथ रिक्वायर बिगर सरफेसिस फॉर रिफ्लेक्शन छोटी छोटी चीज़ों से जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं पॉसिबल हो पाता जैसे वेन यू आर इन अ रूम है ना तो यू हैव अ बिग वॉल्स अराउंड यू राइट जब आप रूम में होते हो तो क्या होता है आपके आसपास बहुत सारे बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं राइट एंड द अमाउंट ऑफ योर साउंड यू आर गेटिंग आउट ठीक है जो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी साउंड एनर्जी आप दे रहे हो दैट इज़ ऑल्सो लो बिकॉज यू आर जस्ट स्पीकिंग राइट तो इसकी वजह से क्या होता है अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी 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 लो सो so, अगर तुम अपना इको सुनना चाहते हो इफ यू वॉन्ट टू हेयर द साउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू यू अगर तुम वो साउंड सुनना चाहते हो तो दैट मीन्स यू हैव टू गेट मोर एनर्जी ठीक है तुम्हें ज़्यादा एनर्जी पहले तो देनी पड़ेगी राइट एंड देन ओनली देन आपको जो है रिफ्लेक्शन वापस सुनाई में आएगा एज एन इको एंड ऑल्सो जिस सरफेस से आपकी आवाज़ टकरा रही है वो भी बहुत बड़ी सरफेस होना चाहिए Okay. So that is what we are going to study today. Okay. That is the reflection of sound. First of all, you need to understand what is reflection? Reflection means

चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं ठीक है हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हमें पता चला बट आपको पता है कि ये जो साउंड है ये भी लॉज को फॉलो करती है ठीक है कैसे और क्या रूल्स हैं लेट्स से देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लेट्स से लेट मी गेट टू यू सो लेट्स ए दिस इज द सर्फेस ऑल राइट दिस इज द सर्फेस राइट दिस इज अ सरफेस एंड अ साउंड वेव इज गोइंग ऑन टू दैट सरफेस ठीक है साउंड वेव आ रही है और वो क्या करती है जो सरफेस है उसको स्ट्राइक करती है ठीक है तो क्या होगा जब ये सरफेस को स्ट्राइक करेगी वी विल बी गेटिंग अ साउंड एनर्जी कमिंग बैक टू द मीडियम राइट देखो क्या हो रहा है साउंड एनर्जी जाएगी स्ट्राइक करेगी सरफेस को और वापस उसी मीडियम में आ जाएगी ठीक है तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुए और वो आपस में इक्वल हुए कैसे देखो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है ये क्या है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या कि भाई जा रही है इंसिडेंट हो रही है राइट साउंड एनर्जी इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस तो दैट इज इंसिडेंटिंग एंड दैट्स वाई दिस एंगल From the normal is known as angle of incidence. इसे हम show करते हैं angle i से, ठीक है angle small i. और this is the angle of reflection. After reflection, मतलब जब strike कर लिया गया है, strike करने के बाद, जब ये लौट के वापस आ रही है sound energy. तब क्या हो रहा है तब जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है सो दिस एंगल आर इज वॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन राइट एंड द फर्स्ट लॉ से दोनों जो एंगल होंगे दोज विल बी इक्वल सो एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल आर दिस इज द लॉ ठीक है दिस इज द लॉ विच फॉलोड बाय यू कैन से इज़ फॉलोड बाय एक्चुअली द साउंड वेव ऑल्सो ठीक है अब देखो यहां पे सेकेंड लॉ जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है द इंसिडेंट वेव द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन सेम प्लेन का मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है सेम प्लेन का यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि जिस प्लेन के अंदर लेट से दिस इज ना दिस इज प्लेन दिस इज एंड इज अ प्लेन राइट इट इज डी फिगर द फर्स्ट डायमेंशन इट कैन बी टेकन एज द वाई है ना तो दिस इज अ प्लेन ठीक है अब क्या होता है अगर इसी प्लेन के अंदर अगर कोई रे आती है तो वो इसी प्लेन के अंदर ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी इट विल स्टिल भी ऐसा नहीं होगा कि इस प्लेन में रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंस रे हैं वो आती है एंड इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऐसा नहीं होगा ठीक है ये इस सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आएगी बिकॉज दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन है ना एक ही सरफेस पे रहती है सो बेसिकली इफ लेट्स से अ साउंड इज गोइंग लाइक दिस ठीक है अगर साउंड ऐसे जा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे ही वापस आएगी वो ऊपर नहीं जाएगी इट विल नॉट चेंज इट्स प्लेन ठीक है वो ऐसा ही सेम प्लेन ही रखेगी ठीक है वो जाएगी एंड इट विल कम बैक और राइट सो दैट इज वॉट आई एम टेलिंग यू कि ये क्या करते हैं तीनों चीजें इंसिडेंट वे रिफ्लेक्टेड वे वन द नॉर्मल दिस नॉर्मल ठीक है दिस नाइंटी डिग्री सरफेस ये जो है एक्चुअली में क्या होता है कि ये सेम प्लेन में लाई करते हैं ठीक है ये जो नॉर्मल मैंने बताया है दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस जो सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है उसका 90 डिग्री होता है ना एंड दैट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ये जो नॉर्मल होता है दैट इज इमेजिनरी है ना ये हम ड्रॉ करते हैं ये एक्चुअली में नहीं होता है एक्चुअली में क्या होता है एक्चुअली में तो सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यानी कि एंगल जो इंसिडेंट uh, रे है रिफ्लेक्टेड रे है इन रियलिटी वही आपको नजर आएंगी राइट right? ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है एंड इस नॉर्मल की हेल्प से वी आर गोइंग टू गेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि साउंड भी फॉलो करती है सो यू शुड डेफिनेटली नोट दम आउट कर लिया तुम सभी ने नोट हम्म चलो अभी हम प्रूफ करते हैं अभी हम प्रूफ करते हैं और ये देखते हैं क्या क्या सचमुच में साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होती है सचमुच में ऐसा होता है क्या लेट सी दैट सो वी आर गोइंग टू गेट एन एक्टिविटी हियर ठीक है हम एक्टिविटी करने वाले हैं सो so देखो हम लोगों ने क्या किया हम एक्टिविटी कर रहे हैं एंड वॉट इज दैट एक्टिविटी हेयर देखो हमने क्या किया वी हैव टेकन अ वुडन बोर्ड ठीक है हमने क्या किया एक वुडन बोर्ड लिया और उसे सीधा खड़ा करके रख दिया लाइक अ वॉल है ना वर्टिकली उसको स्ट्रेट रख दिया है लाइक अ वॉल है ना एक वुडन बोर्ड को हमने ऐसे लिया है एंड देन वॉट वी डेड वी डेड अ सॉफ्ट वुड एंड यू कैन टेक अनदर वुड सरफेस ठीक है एक और वुड सरफेस ले लिया लेकिन उसे किस तरीके से रखा जैसे आपने वॉल के तरीके जो पहला वुड बोर्ड रखा था व में ठीक है वर्टिकली एज वी कैन से दैट तो जब आपने इसे ऐसे रखा तो नेक्स्ट वाला जो वुडन सर्फेस है यू आर गोइंग टू पुट इट लाइक दिस एट नाइन्टी डिग्री टू दैट सर्फेस ठीक है सो दिस इज द सेकंड वन दिस इज द सेकंड वुडन सर्फेस दिस इज द फर्स्ट वन ठीक है एंड यू कैन सी हर देर इज अ गैप डू नॉट टच दैन देर इज अ गैप इन बिटवीन ठीक है उसके बाद ये दो वुडन बोर्ड्स हमने सेट कर दिए नेक्स्ट वी डेड हमने क्या किया फिर दो बड़ी बड़ी लॉन्ग ट्यूब्स ठीक है बोली एंड दो लॉन्ग ट्यूब्स यू कैन से शुड बी शुड बी पॉलिश फ्रॉम इन साइड ठीक है वो कैसे होने चाहिए अंदर से बहुत ही पॉलिश होना चाहिए ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल हो सके ठीक है सो वी हैव टेकन टू यू कैन से ट्यूब्स ठीक है दिस वन दिस इज द फर्स्ट ट्यूब दिस इज द सेकेंड ट्यूब और राइट सो वी हैव टेकन दीज टू ट्यूब्स अब क्या किया हमने क्या किया पहली वाली जो ट्यूब है ना उसके सामने एक स्टॉप वॉच रख दी ऑब्वियसली स्टॉप वॉच की टिक 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 ये वाली जो आवाज है वो हमें सुनाई में आना चाहिए अगर रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है तो ठीक है सो वट वी डिड है कि हमने क्या किया ये जो आ, हमारी आ, एक ट्यूब रखी हुई थी उसके आगे हमने क्या किया स्टॉप वॉच रख दिया अब क्या होगा स्टॉप वॉच से साउंड अंदर जाएगी ठीक है ट्यूब के अंदर जाएगी और मैंने तुम्हें क्या बोला कि ट्यूब के अंदर की जो सरफेस है दैट इज़ टोटली पॉलिश्ड पॉलिश सरफेस है तो वो जो पॉलिश सरफेस है उसकी वजह से क्या होगा साउंड एनर्जी अंदर जाएगी एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द दर्फेस एंड इट कम्स यहाँ तक जाएगी राइट right? एंड जैसे वो जाएगी वैसे क्या होगा उसे जैसे वो यहाँ पे जाएगी वो वुडन बोर्ड से टकराएगी ठीक है वुडन बोर्ड विल एक्ट एज अ सरफेस राइट वो ऑब्स्टेकल से तो देखो वुडन बोर्ड से यहाँ से साउंड जाएगी और टकराएगी टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इट शुड बी कमिंग बैक आना चाहिए उसे वापस सो वॉट वी डिड हेअ हमने ये जो कार्डबोर्ड वाली सेकेंड uh, ट्यूब है इसे क्या किया यूज़ में लेकर आने की कोशिश की एंड ट्राई टू हेयर इट आउट ठीक है कोशिश करो इसे यू कैन रिप्लेस इट ठीक है मतलब तुम इसे uh, कैसे भी रख सकते हो तुम इसे ईजीली आराम से इस पोजिशन में रख सकते हो और उसके बाद इस ट्यूब को हिला के देखो मतलब पहले कुछ इस तरीके से रख सकते हो ठीक है ऐसे करके रखो सुनो यहाँ से क्या तुम्हें सुनाई आ रहा है ठीक है अगर ऐसे सुनाई नहीं आ रहा है फिर तुम नेक्स्ट पोजीशन ले लो कुछ ऐसे क्या तुम्हें इस पोजीशन से सुनाई में आ रहा है फिर इस तरह करते करते यू विल बी गेटिंग अ पोजीशन जहाँ पर तुम्हें सचमुच में इस स्टॉप वॉच की टिक टिक सुनाई देगी और राइट एंड तब आप मेजर भी कर पाओगे तब आप ख़ुद से अगर आप जो योर डी है प्रोटेक्टेड है इफ़ यू आर यूजिंग दैट तो तुम उससे पता कर पाओगे दैट द एंगल दिस एंगल दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इट इज इक्वल तो इससे तुम्हें दो बातें साबित होती है फर्स्ट वन कि भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है ये तुम्हें साबित होता है, है ना बिकॉज यू आर गेटिंग अ साउंड फ्रॉम दिस साउंड तुम्हें ठीक है तुम्हें इस स्टॉप uh, वॉच से जो है पता चल रहा है है ना यू आर नॉट गेटिंग साउंड फ्रॉम हेयर ओनली बिकॉज यहां पे भी वुड आ गया राइट right? मैंने तुम्हें तो यहाँ पे वुड सरफेस रखवाया था तो द रीजन बिहाइंड दिस कि जो क्लॉक की साउंड है ये ऐसे तो जा ही रही है ये ऐसे भी जाएगी है ना पर यहाँ पर तुम तक नहीं पहुंच सकते बिकॉज देयर इज अ वुडन सरफेस इन बिटवीन और राइट तो यहाँ पे हमने यहां से आने वाली जो सरफेस है जो साउंड है स्टॉप तो वॉच की वो तो रोक ली बट इस यू कैन से ट्यूब के अंदर से अगर स्टॉप वॉच की साउंड अगर जाती है तो इट शुड बी कमिंग टू दी अदर एट दी अदर साइड ठीक है रिफ्लेक्शन के बाद और अगर ऐसा पॉसिबल होता है अगर तुम्हें सुनाई देती है दैन इट इज पॉसिबल एंड दैट इज टोटली ट्रू कि भाई रिफ्लेक्शन होता है साउंड का सेकेंड थिंग इट इज ट्रू दैट दी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन राइट तो ये जो दो यू कैन से टू एक्सपेरिमेंट्स वी हैव डेड इन वन एक्टिविटी ओनली राइट तो इससे आपको क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहे जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिले वो ये है कि भाई जो एंगल है दैट इज पी सी एन पी सी एन लाइक दिस वन दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है लेट मी राइट दैट अगेन दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल द एंगल पी सी एन इज इक्वल टू आर सी एन all right so it is true that the angle of reflection is equal to the angle of incidence right and second thing reflection of sound is totally possible it is a phenomena which occurs daily and let's see what are the applications of these phenomena first note them down note them down the uh, observations here चलो नाउ लेट्स वॉट आर द रियल एप्लीकेशन ऑफ दिस फिन ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या इसका कोई रियलिटी में कुछ यूज हो रहा है लेट्स फाइंड दैट आउट सबसे फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज द मेगा फोन राइट द मेगा फोन और यू कैन से द स्पीकिंग ट्यूब है ना वो क्या होती है वेन वी स्पीक इन टू इट जब हम उसके अंदर स्पीक करते हैं तो वो हमारी वॉइस को क्या करती है बहुत ज़्यादा एज यू कैन एजुके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है राइट right? उसका एनर्जी इंक्रीज कर देती है और बहुत दूर तक वो आवाज़ जा पाती है काफ़ी लोगों तक वो आवाज़ एनर्जी पहुंच पाती है राइट right? तो ये जो मेगाफोन है ये एक्चुअली में किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज़ कर रहा है वो देखो क्या होता है हम यहाँ से बोलेंगे ठीक है दिस विड बी द सोर्स ऑफ द साउंड यहां से हम बोलेंगे तो क्या होगा इस ट्यूब के अंदर क्या होगा हो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं मल्टीपल रिफ्लैक्शन हो रहे हैं टकरा रहे हैं यहां से आके साउंड टकरा रहे देन इट इज गोइंग टू दैट सरफेस देन इट इज कमिंग डाउन इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्शन कर रहे हैं एंड देन जब ये रिफ्लेक्शन करते करते इस बिगर सरफेस पर आते हैं सो दे गोज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस एंड फाइनली दे बिकम पैरल सब पैरल बन जाते हैं है ना जैसे जब ही मैं बोलूंगी है ना लेट्स से आई एम स्पीकिंग सो वेन आई एम स्पीकिंग ये जो साउंड एनर्जी आ रही है ये एक ही जगह पर फोकस नहीं जा रही है है ना ये एक ही जगह पर फोकस नहीं जा रही है ये सभी जगह जा रही है इवन अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड मी कैन हेयर माई वॉइस ठीक है सो बेसिकली क्या हो रहा है ये जो साउंड एनर्जी है ये सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बट इफ आई वॉन्ट टू मेक माई साउंड लाइक फोकसड इन टू वन डायरेक्शन आई शुड बी यूजिंग द मेगा फोन क्या होता है पूरी की पूरी साउंड एनर्जी क्या हो रही है एक ही ट्यूब में जा रही है ठीक है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल सराउंडिंग द होल डायरेक्शन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस जा रही है सो इट द टोटल एनर्जी द टोटल एनर्जी इज जस्ट गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड दैट्स वाई इट कैन बी हर्ड अप टू द लॉन्ग डिस्टेंसेज ठीक है तो यहां पे मेन फंक्शन क्या हुआ मेन हमारा मेगाफोन का यूज यही हुआ क्योंकि देखो जब कभी हमें अपने फ्रेंड को जोर से चिल्लाना होता है तो हम कैसे करके चलाते ऐसे करके चलाते हैं है ना तो इससे क्या होता है मेरी जो साउंड जो चारों तरफ जाना चाहती थी मतलब वो इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है सब जगह ऊपर नीचे हर जगह वो साउंड एनर्जी जा रही है राइट तो वो क्या हो रही है सभी डायरेक्शंस में वो पूरा फैल गई है सेपरेट हो गई है डिस्ट्रीब्यूट हो गई है है ना बट अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी आवाज़ काफी दूर तक जाए ठीक है मेरी जो एनर्जी है वो काफी दूर तक जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो आई कपमा हैंड लाइक दिस ऑल राइट अब मेरी जो वॉइस है वो कैसी सुनाई दे रही different है डिफरेंट है येस इट इज डिफरेंट बिकॉज टोटल एनर्जी इज फोकस्ड इन वन डायरेक्शन ठीक है एंड ये जो मेगाफोन है ये यही, यही काम करता है वेन वी स्पीक इन टू इट हम क्या करते हैं यहां से यहां से स्पीक करते हैं है ना तो जब हम स्पीक कर रहे होते हैं सारी एनर्जी जो चारों तरफ जानी चाहिए थी वो वहां नहीं जाके सारी एनर्जी फोकस हो जाती है एक ही डायरेक्शन में एंड दैट एनर्जी हर्ड अप टू वेरी मच लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड दैट्स हाउ दिस साउंड एनर्जी जो कि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रही है इट इज यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बिकॉज मेगाफोन के अंदर क्या हो रहा है द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसिस ठीक है सो दैट इज द यूज ऑफ द एज वी कैन सी द रिफ्लेक्शन है ना तो ऐसे काफी सारे वो होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्पेशली जो शादी और बारातों में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं तो उसमें भी कैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं राइट right? उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे हैव डू हैव अ समथिंग लाइक दिस मेगाफोन के जैसा होता है सो दे आर दे आर यू कैन से ब्लोइंग एयर इन टू द फनल और यू कैन से द ट्यूब और उसके बाद एक साउंड बाहर आती है राइट right? तो बोस इंस्ट्रूमेंट्स भी क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज कर रहे हैं स्टेथोस्कोप स्टैथस्कोप डॉक्टर्स का स्टैथस्कोप देखा है ना आपने वो क्या करते हैं वो हमारी हार्ट बीट को सुन लेते हैं रीजन हार्ट बीट से जो साउंड एनर्जी बाहर आ रही है तो वो जो छोटा सा ट्यूब जो वो यहाँ पे लगाते हैं सुनने के लिए वो ट्यूब के अंदर से साउंड जाती है इट गोज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस ओनली ठीक है ट्यूब के अंदर से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते 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 डॉक्टर्स के कानों तक जो ट्यूब उन्होंने लगाया होता है जो हेयरिंग का एड लगाया होता है उससे उनको सुनाई में आ जाता है सो टैटस्कोप इज ऑल्सो यूजिंग दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड राइट तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ दैट इज अ साउंड बोर्ड है ना साउंड बोर्ड भी एक ऐसा बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे मेनली क्या होता है जैसे बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं ठीक है बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं एंड आप चाहते हो कि हॉल के अंदर प्रेजेंट हर एक लोगों को हर एक जने को हर एक पर्सन को आपकी आवाज सुनाई दे ठीक है सो वट यू विल बी डूइंग यू विल बी डूइंग इट इन अ स्मार्ट वे हाउ मेक द सफेस कर्व ठीक है सरफेस को कर्व कर दो और उस कर्व सरफेस की फोकस में अगर आप स्पीकर रख दोगे ठीक है तो क्या होगा स्पीकर से साउंड जाएगी ऐसे ऐसे ये सीधे भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि स्पीकर से उधर की तरफ ही जाएगा ऐसा नहीं है ये स्पीकर वाली जो स्पीकर से चारों सभी डायरेक्शंस में साउंड जाएगी है ना तो जो भी डायरेक्शंस में इस तरीके से अगर साउंड बोर्ड की तरफ जो डायरेक्शंस में साउंड वेव जाएगी साउंड एनर्जी जाएगी रिफ्लेक्ट होके पैरल हो जाएगी एंड इट विल गोज टू एवरी जगह साउंड कैन बी हर्ड राइट तो बेसिकली वी आर यूजिंग होता है ना uh, uh, स्टेस में जो विजिटर्स होते हैं स्पेक्टिकल होते हैं वो जहां रहते हैं तो यू कैन सी हर दिस इज अटेज ठीक है यहां से साउंड का सोर्स है एंड देयर इज अर्व सीलिंग दीलिंग राइट तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है सोर्स से जो साउंड निकल रही है, you can say emit हो रही है तो वो क्या करेगी कर्व सीलिंग से टकराएगी एंड इट विल बी हर्ट टू एवरी सिंगल एज यू कैन सी द लिस्नर एवरी सिंगल लिसनर इट विल बी रीचिंग अप टू दी सिंगल लिसनर ठीक है सो मेनली हमारा साउंड का मेन मोटिव यही है कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये रिफ्लेक्शन शुड बी लाइक एवरी सिंगल पर्सन शुड बी हर्ड राइट एंड दैट इज अ मेन थिंग ठीक है तो चलो अभी तुम इसके बारे में लिखना चाहते हो तो फटाफट से इसको लिख लो चलो अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं किसको इको ठीक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट इको राइट वट इज इट क्या होता है इको देखो सिंपली जो इको है दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ठीक है दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लेकिन ये सिर्फ रूम में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है दिस इज लाइक दिस इज लाइक हैपनिंग एट अ वेरी लार्ज स्केल एज यू कैन सी तो जहां कहीं भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस जो होते हैं वहां पर एक इको एक पॉइंट होता है है ना तो ये जो इको पॉइंट होता है व्हाट इज दैट ये जो इको पॉइंट होता है इसके ऊपर अगर आप खड़े होके जोर से चिल्लाते हैं ठीक है जोर से स्पीक करते हैं तो क्या होता है तुम्हें तुम्हारी ही आवाज़ सुनाई देती है वापस लाइक सम वन एल्स इज स्पीकिंग टू यू एंड द सेम एग्जैक्ट वर्ड्स एंड वॉट इज दैट क्या होता है एक्चुअली में वहाँ पर यू के सी इस तरीके के बड़े बड़े पर्वत और यू कैन से माउंटेन्स एंड शिव वहाँ पर होते हैं है ना तो इस तरीके से जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं एक्चुअली में वो इको को ही कर रही होती हैं ठीक है दे आर द रीजन की इको हो रहा है क्या होता है जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ठीक है ठीके? तो वहाँ पर जब आप कुछ कहते हैं जोर से चिल्लाते हैं ठीक है ठीके? स्पीक करते हैं तो क्या होता है कि आपकी आवाज़ जाती है पहाड़ से कोलाइड करके टकरा के वापस आ जाती है सो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक और जब वापस आती है तो आपको सुनाई आता है ठीक है तो आपको लगता है दैट इट ठीक है बट एक्चुअली में दिस इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन वॉइस है ना या आप ही का रिफ्लेक्शन होता है जस्ट लाइक दिस वेन यू स्पीक जो साउंड वेव्स होती हैं वो जा रही हैं यू कैन सी हर ब्लू कलर का साउंड वेव्स दे आर गोइंग टू दी सरफेस टकराती है एंड देन दे कम बैक टू द जो भी जो पर्सन स्पीक कर रहा है ठीक है तो दे कम बैक टू द स्पीकर ठीक है तो, तो यहाँ पे मेनली वॉट इज हैपनिंग एक्चुअली दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन बट एट अ वेरी लार्ज स्केल यू आर गोइंग टू गेट योर साउंड क्लियर तुम्हें क्लियरली समझ में आता है कि भाई वहाँ पे बोला गया है एंड वेन इफर समटाइम्स यू गेट वन रिफ्लेक्शन ओनली कि भाई तुमने बोला हेलो तो तुम्हें सिर्फ एक और हेलो सुनाई देगा बस लेकिन कई बार ऐसा भी होता है तुमने एक हेलो बोला तुमने से बोला हेलो लेकिन कई बार आता है हेलो 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 जब तक खत्म नहीं हो जाता ठीक है वेन यू गेट दीज मल्टीपल हेलो 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 यू आर गेटिंग मल्टीपल इकोज और राइट यू आर गेटिंग मल्टीपल इको सो यू ऑल नो नाउ कि जो इको होता है दैट इज जस्ट द फिनमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड बट एट अ लार्जर स्केल राइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया एक तो एंड अ वेरी बिग ऑब्सटेकल इज प्रेजेंट ओवर देयर दैट इज माउंटेन राइट एंड दैट इज द रीजन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज गोइंग टू हैपन और यू कैन से अकर ठीक है तो तुम फटाफट जैसे लिखो फटाफट मल्टीपल इको के लिए भी लिखेंगे और सिंपल इको के लिए भी लिखेंगे ठीक है चलो अभी हम क्या करते हैं एक रिलेशन डिराइव करते हैं ठीक है नाउ वी नो कि यहाँ पे क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है ईको e क्या है जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड राइट सो लेट्स कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द स्पीकर और राइट लिस्नर एंड स्पीकर आर द सेम पर्सन राइट सो लेट्स गेट इट लाइक दैट कि लिस्नर एंड द रिफ्लेक्टर और राइट एंड द थर्ड थिंग द टाइम जिसमें आप सुनाई में दे रहे हैं राइट जिसमें आपको आवाज़ सुनाई में आ रही है सो वेन एवर यू गेट दैट ठीक है इन तीनों का जो रिलेशन आपको मिलेगा वो रिलेशन से आप पता कर सकते हैं एक्चुअली में कि आपको वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस कितना है सेकेंड थिंग यू कैन गेट द स्पीड ऑफ साउंड इज टोटली कॉमन है ना तो वो तो टोटली totally इक्वल रहता है इट्स नॉट अ बिग डील बट यू कैन गेट द टाइमिंग ऑल्सो राइट यू कैन गेट द डिस्टेंस ऑल्सो जो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ईको जब सुनाई देता है है ना तो कई बार क्या होता है कि ईको का आप तक पहुंचने के लिए लाइक like आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है जो आप तक पहुंच रहा है जो आपको सुनाई दे रहा है वो कई बार आप तो आपको सुनाई में तो आता है बट आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते है ना ये क्यों डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पाते हैं बिकॉज अगर दो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं ठीक है टू डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आर कमिंग और अगर वो एक साथ आती हैं ठीक है ठीके? अगर वो एक साथ आ रही हैं तो वो सब मिक्सअप हो जाती है तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आता है राइट right? जैसे कि क्लास के बच्चे जब शोर कर रहे होते हैं तो सब सब बोल रहे होते हैं तो आपको किसी की भी आवाज़ क्लियरली समझ में नहीं आती कि कौन क्या बोल रहा है इट यू विल बी गेटिंग मिक्सड अप साउंड राइट लेकिन अगर क्या हो कि जो शब्द आपको बोला गया और उसके वन बाय टेन सेकेंड बाद कोई शब्द बोला गया यू आर गोइंग टू एबल टू हेयर बोथ ऑफ दैट तो अगर आप चाहते हो कि आपको दो साउंड डिफरेंट डिफरेंट साउंड समझ में आए दैट मीन इन दोनों साउंड के ओरिजिनेट होने का या फिर यू कैन से आप तक पहुंचने के लिए देयर हैज टू बी वन बाय टेन सेकेंड ठीक है ये डिफरेंस होना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड तो मतलब ये जो साउंड होती है ये क्या हो जाती है ब्लैंड हो जाती है ठीक है ब्लैंड हो जाती है और यू कैन से कि भाई मिक्सअप हो जाती है राइट right? तो ये जो मिक्सिंग अप ऑफ साउंड्स है इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट दैट अगर तुम चाहते हो क्लियरली दो अलग अलग वॉइस आप तक पहुँचे तो मेक श्योर sure कि इन दोनों ही आवाज़ों के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट शुड बी वन बाय टेन सेकेंड ठीक है दैट शुड बी ये मिनिमम है वन बाय टेन सेकेंड तो होना ही होना चाहिए अगर किसी भी दो साउंड में, एक एक में से साउंड बाहर आई और वन बाई टेन सेकेंड के टाइम इंटरवल से भी कम में क्या हुआ दूसरी बार इसने साउंड रिलीज कर दी अगर ऐसा होता है तो यू वॉन्ट बी गेटिंग अ सिंगल साउंड यू विल बी गेटिंग अ मिक्सड साउंड एंड यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दम ठीक है तो दो वॉइस को अलग अलग पहचानने के लिए इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए वन बाय टेन सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए कितना होना चाहिए by seconds. You can see here, by seconds से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो मतलब दो साउंड जो आपके कान तक पहुंच रही हैं, दो शुड बी है इफ यू वॉन्ट टू गेट अ क्लियर साउंड और यू कैन से डिस्टिंग्विशेबल साउंड ठीक है तो नोट करो रिलेशन चलो अभी हम रिलेशन जो है देखते हैं फटाफट से सो लेट मी टेल यू वन थिंग कुछ चीज़ें हम लोग फिक्स कर लेते हैं जैसे वी आर गोइंग टू गेट अ डिस्टेंस डी ठीक है एंड एनलेट से वॉट दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक है मान लो डी डी डिस्टेंस किसके बीच में है सोर्स मतलब जो बोल रहा है ठीक है और रिफ्लेक्टर ठीक है मतलब जहां से रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रही है इको लेट डी डिस्टेंस बिटवीन विद्वीन ठीक है टी टी इज वर्ड द टाइम ऑफ हियरिंग ईको ठीक है तो टी क्या है टाइम ऑफ हियरिंग ईको मतलब कि भाई लेट से आपने जब बोला उसके बाद आपने जब बोला उसके बाद कितनी देर में आपको अपना इको सुनाई दे रहा है ठीक है दैट इज द टाइम टी ठीक है तो लेट से यू आर लिसनिंग योर इको इन टी सेकेंड्स और टी टाइम ठीक है और वी वट इज वी द स्पीड ऑफ साउंड ठीक है तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर है और लेट सी ठीक है मान लो ये तुम हो ठीक है तुम यहाँ स्टैंड कर रहे हो और आगे बहुत बड़ी सी जो है माउंटेन है ठीक है दिस इज द माउंटेन एंड तुम्हारे बीच में और माउंटेन के बीच में कितना डिस्टेंस है डी डिस्टेंस है ठीक uh, है और वी वेलोसिटी है एंड टी टाइम टी टाइम मतलब तुम्हारे बोलने के बाद टी टाइम बाद यू आर गेटिंग टू हेअर योर इको ठीक है तो लेट मी टेल यू कि साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है अब तो मुझे बताओ जब इस पर्सन ने बोला तो क्या हुआ साउंड पहले तो गई डी डिस्टेंस ट्रैवल किया माउंटेन तक पहुंची माउंटेन से टकराई वापस आई और इसके कानों में आई ठीक है इस पर्सन के कानों में आई सो देर आर टू डी टू डी है ना एक तो जाने का डी एक वापस आने का डी सो so, जो वेलोसिटी है उसे हम कैसे बताएंगे एज यू कैन सी हर वी कैन गेट टू डी डिवाइडेड बाय टी टोटल टाइम टेकन बाय द साउंड साउंड वेव एंड दिटी ऑफ द साउंड इट राइट तो अब देखो तुम इससे क्या निकाल सकते हो तुम तीनों का रिलेशन देख सकते हो तुम तीनों का रिलेशन देख सकते हो इवन यू कैन फाइंड इट डिस्टेंस टू सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द

चलो अभी हम एक और रिलेशन देखते हैं नॉट द रिलेशन बट लेट्स फाइंड आउट कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है ईको को सुनने के लिए लेट्स सी दैट ठीक है लेट्स सी द मिनिमम डिस्टेंस सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं वी आर गोइंग टू गेट अ रिलेशन ओनली ठीक है अगेन दिस इज अ पर्सन और ये है एक माउंटेन

टू डी बाई टी ये तो मिनिमम फॉर्मूला है लेट्स सी इट अगर मैं d पता करना चाहती हूँ तो आई शुड बी राइटिंग इट लाइक दिस है ना t को वा यहाँ लेके चले गए तो v इंटू टी हो गया टू को नीचे लेकर आ गए सो इट इज डिवाइडेड बाय टू अब देखो यहाँ मेन तो यू विल बी गेटिंग अ डिस्टेंस वी टी बाय टू नाउ टेल मी व्हाट इज द v स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड नॉर्मली एयर में कितनी होती है 340 मीटर पर सेकेंड तो वी आर गेटिंग अ वैल्यू इक्वल्स 340 मीटर पर सेकेंड अब आता है टी टी का वैल्यू क्या देखें देखो यहां पे तुम्हें क्या चाहिए इको सुनाई में आना चाहिए इसका मतलब कि दो साउंड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस और यू कैन से द मिनिमम टाइम

थ्री फोर्टी ठीक है मल्टीप्लाई बाय वन बाय टेन डिवाइडेड बाय टू ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया है और टू वन ज टू टू सेवन ज फोर्टीन तो हमें इससे ये पता चला कि डी शुड बी सेवेंटीन मीटर तो मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू हेयर योर ईको एनी वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टर एंड यू शुड बी 17 मीटर अगर 17 मीटर से कम होता है यू विल नॉट बी गेटिंग एन इको ठीक है तो मैं ईको नहीं सुनाई देगा बट अगर आप 17 मीटर दूर खड़े होते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से देन ओनली यू कैन ह्यो योर इको ठीक है तो इसे फटाफट से नोट करेंगे सभी बच्चे एंड देन वी विल बी गेटिंग द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इको राइट चलो अभी हम कंडीशंस देख लेते हैं कंडीशंस इको की कंडीशंस क्या होनी चाहिए लेट्स सी देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी शुड बी सेवेंटीन मीटर्स और राइट तो क्या हुआ ये एक रिक्वायरमेंट है ठीक है अगर आप इको सुनना चाहते हैं तो सोर्स का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में 17 मीटर होना ही चाहिए डिस्टेंस और राइट इफ यू वॉन्ट टू इको। सेकेंड थिंग देखो द वेव लेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है ठीक है उसकी जो हाइट है ठीक है तो कम से कम ये जो उसका वेव लेंथ है साउंड का जो साउंड का वेव लेंथ जा रहा है एज यू ऑल नो वेव का वेव लेंथ होता है राइट right? तो जो साउंड का वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्टिंग बॉडी की सरफेस का जो हाइट है शुड बी लो, ठीक है? तो वेवलेंथ शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग अ कंडीशन एंड विच इज जनरली फुलफिल्ड एट द हिली एरियाज ठीक है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशियंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी इतना होना चाहिए कि भाई वापस आने पे तुम्हें सुनाई दे क्या पता वो वापस आ ही रही हो रस्ते में लेकिन इंटेंसिटी खत्म हो जाए एनर्जी फिनिश हो जाए वट कैन ठीक है तो तुमको सुनाई नहीं देगा सो देर शुड बी इनफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कि जाए टकराए और वापस आगे तुम्हें सुनाई भी दे और राइट दैट शुड बी द इंटेंसिटी द मिनिमम इंटेंसिटी शुड बी शुड से ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इको ये इको के बारे में सब कुछ बातें जो है हमने कही सुनी हो गई हैं नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन है ठीक है डू इट साथ साथ करते हैं ठीक है सो द क्वेश्चन सेन एमिट्स अ सोनार पल्स विच रिटर्न फ्रॉम द अंडर वॉटर क्लिफ इन 1.02 पॉइंट जीरो टू सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज वन फाइव थ्री वन मीटर पर सेकेंड हाउ फार अवे इज द क्लिफ दैट वॉट यू हैव टू डू वॉट यू हैव टू डू इज वॉट यू डू हैव टू आपको पता ना है भाई डिस्टेंस कितना है ठीक है लेट मी टेल यू दिस लेट मी टेल यू लेट्स मेक अ डायग्राम फर्स्ट ठीक है दिस इज दिस इज द सब सबमरीन राइट लेट्स दिस इज टोटली अंडर वॉटर ठीक है एंड लेट्स मेक अ सबमरीन आई थिंक दिस इज हाउ वी मेक अ सबमरीन ठीक है बिकॉज यहाँ पे जो है एक वो होता है टर्बाइन होती है जो रोटेट होती है ठीक है अब ये जो सबमरीन है और यहाँ पे दिस इज सी है ना यहाँ पर एक हिल है ठीक है एक क्लिफ है वीकेंड से अल अ क्लिफ ठीक है तो सबमरीन क्या किया इस सबमरीन ने पता करने के लिए कि भाई सामने कोई रुकावट तो नहीं है कोई आ, कुछ ऑब्सटैकल अबस्ट, तो नहीं है तो व्हाट दे डेट उन्होंने क्या किया एक सोनार सिग्नल को भेजा ठीक है सोनार सिग्नल जाएगा टकरा के वापस आएगा और तब जाके सबमरीन को पता चलेगा एंड सबमरीन कैलकुलेट करेगा दैट दिस इज द डी डिस्टेंस ऑलराइट सो लेट्स से सबमरीन और क्लिफ के बीच में डी डिस्टेंस है एंड हमने क्या देखा था जब हम वेलोसिटी uh, जब हम मिनिमम डिस्टेंस पता करने की कोशिश कर रहे थे सो वी यूज दिस फॉर्मूला राइट सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इफ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस द स्पीड इज 1531 मीटर पर सेकंड 1531 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई टाइम इज वन पॉइंट जीरो टू क्योंकि बाद वो सिग्नल वापस आ गया है ना सबमरीन ने सिग्नल भेजा उसके वन पॉइंट टू सेकेंड बाद ही सिग्नल उसको रिटर्न मिल गया तो मतलब पास ही है लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस वन पॉइंट जीरो टू डिवाइडेड बाय टू ठीक है सो लेट्स डू इट कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसे फटाफट से एंड इट शुड बी लाइक तो इट शुड बी ऑलमोस्ट सेवन सिक्स फाइव पॉइंट फाइव ठीक है इन टू वन पॉइंट जीरो टू राइट सो यू विल बी गेटिंग वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन सेवन सिक्स एट समथिंग ठीक है तुम्हें ये वैल्यू जो है मिलेगी लेट्स कैलकुलेट दैट ठीक है कैलकुलेट करो और मुझे बताओ ठीक है तुम्हें जो इसका आंसर मिलेगा दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेवन एटी के आसपास मिलने वाला है ठीक है सेवन पॉइंट समथिंग समथिंग सो वी शुड राइट इट हेयर सेवन पॉइंट समथिंग समथिंग मीटर सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द सबमरीन ऑलराइट और राइट दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इको राइट रिमेंबर द फार्मुला एंड डेफिनेटली यू कैन सॉल्व देन ऑल द क्वेश्चन सो बेसिकली वॉट यू नीड टू डू इज टू डू योर होमवर्क ठीक है होमवर्क करो सबमिट करो एंड देख क्या तब मुझे पता चलेगा कि भाई तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ठीक है सो यू शूड डेफिनेटली डू दैट सो दैट वॉज इन दिस लेक्चर ऑल राइट And uh, thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, do study from it, solve the questions, right? And then you can definitely say that you have to click on the bell icon and then you will be remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.